क्या लग रहा है चुनाव लड़िएगा इस बार? क्षेत्र की जनता तय करेगी और पार्टी तय करेगा। क्या लग रहा है इस बार, क्या भाजपा से अगर टिकट आपको मिलेगा तो क्या चुनाव में आप उतरिएगा? तो पार्टी का निर्णय लेना है, हम भाजपा का कार्यकर्ता है, पार्टी तय करेगी। तो आपका अभी डुमरी में बहुत चर्चा चल रहा है, इस बार एकदम रेस में सुलेंद्र साहू जी भी। जोहार साथियों, जोहार झारखंड, इस वक्त हम है डुमरी में और मेरे साथ आज भाजपा युवा नेता सुलेंद्र कुमार जी है। सबसे पहले जोहार। जोहार, नमस्कार, जय श्री राम। आपके तमाम दर्शक, समस्त जितने भी दर्शक हैं, उसको मेरी ओर से झारखंडी जोहार। तो क्या लग रहा है इस बार मैया समान योजना सरकार लाए हैं और अभी सरकार द्वार जो अभी चल रहा है? देखिए, अभी जो मैया सम्मान योजना लाया गया है, राज्य सरकार की चुनावी स्टैंड है और आप देख सकते हैं कि पहले वृद्धा विधवा पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन जो लोगों को मिलता था, वही पेंशन पूर्ण रूपेण सरकार नहीं दे पा रही है। तो मैया सम्मान योजना लाया गया है, सिर्फ चुनावी स्टैंड, उनका एक चुनावी स्टैंड है, सिर्फ चुनाव को लेकर के ही लाया गया है। और इसमें भी देख रहे होंगे, कई लोगों को दिया जा रहा है, कई लोगों को नहीं दिया जा रहा है। दो चार महीना चलेगा और फिर वही हाल हो जाएगा। और अभी आप बोले आप सरकार आपके द्वार की, तो सरकार आपके द्वार में आप सोच के देखिए, बिना मुखिया, बिना पंचायत सेवक, बिना रोजगार सेवक की उपस्थिति में ये कौन सा सरकार आपके द्वार चल रहा है? पंचायत के जो माननीय मुखिया होते हैं वो भी धरना में हैं, आपके पंचायत सेवक जो हैं वो भी धरना में हैं, रोजगार सेवक सहित जितने भी मनरेगा कर्मी हैं सभी लोग धरना में हैं, तो काम कौन करेगा? ये सरकार आपके द्वार हो क्या रहा है? सिर्फ तो जो बोल रहे हैं, मुखिया जब तक साइन नहीं करेगा और पंचायत सेवक तब तक मैंने काम आगे नहीं बढ़ेगा, कैसे सरकार द्वार? सारा चीज माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। ये चुनावी स्टैंड है, एक तरह से पंचायतों में जाकर के मुर्गा भात जो होता है ना, मुर्गा भात भी नहीं चलता हुआ, क्योंकि हमारे माननीय मुखिया जी लोग को प्रेशर करके खाना का व्यवस्था कराया जाता था। आज तो हमारे माननीय मुखिया जी लोग धरना में हैं, तो हमको लगता है कि पंचायत सेवक और मुखिया और अपने जितने भी रोजगार सेवक है और अन्य रोजगार क्या बोलते हैं, मनरेगा कर्मी, जेई जितना है, उस सभी लोग का काम माननीय मुख्यमंत्री जी खुद फॉर्म में आकर के हस्ताक्षर करके पूरा करेंगे। हेमंत सरकार बोल रहा है हम बिजली बिल माफ करेंगे, उसका क्राइटेरिया देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसा हमको जानकारी मिल रहा है कि 2021 से पहले जिसका बकाया बिल है उसको माफ किया जाएगा। और एक तरफ बकाया बिल माफ करने की बात कर रही है और बिजली बिल कई गुना बढ़ा दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आम लोगों के एक तरह से बोझ बनेगी, जो बहुत ही दुखदायी है। और पोषण सखी के लिए क्या करना चाहिए? पोषण सखी बोल रहा है सरकार, फिर हम वो देखिए मिला जुला करके बरगलाने के काम कर रहे हैं। हमारे पोषण सखी जितने बहने हैं, छः जिला में जहाँ तक हमको जानकारी है, छः जिला में लगभग 10,000 पोषण सखी बहने थी जो कार्यरत है। रघुवर दास जी अपने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, NDA सरकार में मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में पोषण सखी का बहाली हुआ था। और जैसे ही इंडिया गठबंधन, हेमंत जी का सरकार बना, उसे हटा दिया गया था। अब बताइए, हटाया वही और फिर बोल रहा है आप लोग को बहाल कर दिए। आप बहाल किए ठीक है, ये भी चलिए मानते हैं कि हटाए आप, बहाल कर दिए, कोई बड़ा काम नहीं किए हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो पोषण सखी का 3,000 रुपया का मानदेय, आजकल 3,000 में क्या होता है, कुछ नहीं, कम से कम उसको सम्मान करने का सम्मान वेतन मिलना चाहिए, एक स्थायीकरण होना चाहिए कि इतना दिन 60 साल तक का जो स्थायीकरण है उसका स्थायीकरण कीजिए, और कम से कम 10,000-15,000 उनको मानदेय कीजिए, तब ना जानेंगे। हटाते आप ही, फिर आप ही सरकार का जब चुनाव आने वाला है, सरकार की स्थिति क्या है किसी से छुपा नहीं है, तो चलो भाई आनंद फानंद में ले जाया जाए, यही नीति है सरकार का। क्या लग रहा है इस बार, क्या भाजपा से अगर टिकट आपको मिलेगा तो क्या चुनाव में आप उतरिएगा? तो पार्टी का निर्णय लेना है, हम भाजपा का कार्यकर्ता है, पार्टी तय करेगी, पार्टी का जो तय करना है उस पर हम लोग करेंगे। और जो अभी चंपई सोरेन जी बीजेपी सस्ता गरंग कोलान में अब दमखम कुछ लगेगा 14 सीट जो आता है कोलान के, ईमानदार व्यक्ति है और बेदाग छवि वाले नेता है और उनका एक अलग पहचान है, साधारण परिवार से आने वाले साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं और उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई अपने आप में अहंकार नहीं महसूस किया है कि कोई बड़ा लीडर है। और पब्लिक के बीच रहना, पब्लिक से बहुत बढ़िया उनका संबंध है
और अच्छे नेता है। उनका 5 महीना का जो कार्यकाल रहा, 5 साल बनाम 5 महीना, एक तरह से 5 साल का जो हेमंत जी का इंडिया गठबंधन का जो सरकार का कार्यकाल है उसमें देखा जाए तो 4.5 साल एक तरफ हेमंत जी का और 5 महीना एक तरफ का। तुलना कीजिए तो हेमंत जी से कई बढ़िया काम चंपे सोरेन जी ने किया था, जो पक्ष विपक्ष सभी उनके कार्यों को सराहना किया। उनके आने से पार्टी निश्चित तौर पर मजबूत हुई और कोल्हान में बढ़िया प्रदर्शन रहेगा और कोल्हान की लगभग सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में आने की संभावना है। तो आज लोबेन हेमरम जी बीजेपी भी ग्रहण कर लिए, जो जेएमएम का पहले नेता था वो भी पार्टी छोड़ के डायरेक्ट आ गया बीजेपी। भाजपा परिवार के प्रति लोगों को आस्था जुड़ रही है, कार्यशील देख रही है। उनका जो वर्तमान सरकार है उसका नीति नियत सारा चीज देख रहे हैं। बांग्लादेशी घुटपैठी है, परेशान कर रहा है आम जनमानस को, स्थानीय लोगों को, स्थानीय मूलवासियों को। जमीनें छीनी जा रही है, कई तरह के हत्याएं, बलात्कार, क्या नहीं हो रहा है। तुष्टिकरण के सरकार से लोग तंग आ रहे हैं और आम जनता तो है ही, उनके दल के भी नेता लोग परेशान, इसलिए उस पार्टी को छोड़ करके और अपना लगे हैं आने वाले समय में एनडीए गठबंधन का, एनडीए की सरकार बनाने के लिए। तो आपका अभी डुमरी में बहुत चर्चा चल रहा है, इस बार एकदम रेस में सुलेंद्र साहू जी भी, सुलेंद्र कुमार तो जी भी है। हम कहेंगे तो ठीक थोड़ी रहेगा, वो तो अपने डुमरी के जितने भी जनमानस है, देवतुल्य जनता जनार्दन है, माताएं बहनें हैं, युवा साथी है, वो लोग तय करेंगे और उनके बीच बात आ रही है तो आप खुद समझ सकते हैं। पहले आप पंचायत समिति रहे, उसका बाद डायरेक्ट आप जिला परिषद चल गए। आपका धर्म पत्नी जिला परिषद सदस्य है, तो क्या बोलना चाहते हैं, कितना आप धरातल में काम किए, जो जनता आपको चाह रहा है डुमरी विधानसभा से। देखिए, पंचायत समिति सदस्य हमारी मिसेस रही है, लगभग 7 साल रही। उनका कार्यशैली देख करके लोग प्रभावित हुए, उनके कार्य से प्रसन्न हुए और जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए लोग कहें कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़िए, और जिला परिषद का चुनाव हम लोग लड़े। कई दिग्गज नेता थे, जो कुछ लोग आते थे बड़े बड़े नेता लोग कि चुनाव नहीं जीत पाएगा, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने तय किया कि काम करने वाला व्यक्ति चाहिए और काम करने वालों को एक रिकॉर्ड मत से चुनाव जिता करके, जिला परिषद के चेयरमैन थे वैसे शख्स के प्रत्याशी को हरा करके, और हम लोग मेरी मिसेस चुनाव जीतने का काम किया। निश्चित तौर पर इसका सारा श्रेय क्षेत्र के लोगों को जाता है और उनका मुझे विश्वास है जिस तरह आशीर्वाद मिला आगे भी मिलता रहेगा, और ये शक्ति भी जो है क्षेत्र में काम करने का, लड़ने का, और सारा शक्ति उन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है और लगे हैं। क्या लग रहा है, इस बार 2 प्रभारी झारखंड को बनाया गया, एक शिवराज जी चौहान है जो कृषि मंत्री, केंद्र कृषि मंत्री है, और एक हेमंत बिस्वा जी है जो असम का मुख्यमंत्री है, और झारखंड का प्रभारी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर वो एक वैसे नेता है, और जितना मेरा उम्र नहीं हुआ है और उतने उम्र से शिवराज सिंह चौहान जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के, और उनका विचार, उनका कार्यशैली, उनका संगठनात्मक कार्य से यहाँ झारखंड के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा और उसका परिणाम भी दिखेगा। आपसे अब लास्ट 2 सवाल पूछेंगे। सरकार एकदम मैया समान योजना लाया, एकदम क्या बोलना चाहते हैं, पैसा आया सबको खाते में? वो तो क्षेत्र जिला परिषद के क्षेत्र के लोगों से पूछिए तो पता चल जाएगा, कई लोग को मिला है लॉलीपॉप और कई लोग को बस ऐसा ही। क्या सरकार चुनाव आने के टाइम में मैं तो पहले बोला कि ये चुनावी स्टैंड है, और जब हमारे बुजुर्ग, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन पाने वाले लोगों को 3-3, 4-4 महीना से पेंशन रोक दिया जाता है, और जब एक बार दिया जाता है तो उसमें भी वो लोग को काट करके पैसा दिया जाता है। 4 महीना का रुका है तो 2-3 महीना दिया जाता है, किसी का 2 महीना 1 महीना काट के दिया जाता है, तो उसका पेंशन जब सरकार नहीं दे पा रही है तो इनका क्या देगा। समझ लीजिए चुनावी स्टैंड है, चुनाव में माहौल बनाने के लिए। सारे अबू आवास में भी तो वही है, देख रहे हैं भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना चढ़ावा का कुछ होता नहीं है। ब्लॉक के अधिकारी अब जाइए, सबका बना हुआ है। क्या लग रहा है चुनाव लड़िएगा इस बार? क्षेत्र की जनता तय करेगी और पार्टी तय करेगी। आप देख रहे थे सुलेंद्र कुमार जी जो भाजपा युवा नेता है, और इसका विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।